आज से उन तुर्कों के साथ एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज हो चुका है। किले के अतराफ मुहाफिजीन बढ़ा दो और हर वो शख्स जो जंग के लिए तैयार हो उसे अपने साथ शामिल हो जाने की दावत दे दो। जब तक इन तुर्कों से अपने शौहर की मौत का इंतकाम नहीं लूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अगर उस्मान यहां ना आया तो ना तुम, तुम्हारे बाबा या काई सरदार कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। ना ही गसब किया, बितिनिया पर राज करने वाली एक जालिम हुकूमत हर जगह सराहियत कर चुकी है, हर कूचे में। एक जानिब देखो वो अपने अफकार के साथ हुकूमत कर रहे हैं और दूसरी जानिब पसंदीदा अफराद के साथ हुकूमत कर रहे हैं। चाहते क्या है, मकसद क्या है उन मालूनों का? वो हम में मौजूद आलमी निजाम की रोशनी को हम पर मुसलत करदा तारीकी से हमें दबाना चाहते हैं। और मुट्ठी भर आखी बरादरी, हैरान हूं कि उन लोगों ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया जोगी आनिस। तुम उन्हें नहीं जानते कालानोस। शेख अदाबाली तुर्कों की रूह है जिस पर कब्जा करना मुमकिन नहीं। जो हुक्म बाला खातून, जैसा आप कहें। आप तो सिर्फ तलवार चलाने में ही नहीं तिजारत में भी माहिर हैं बाला खातून। तलवार से अपनी जान की, तिजारत से तुर्कों की खुशहाली की और अदब से इकदार की हिफाजत करते हैं।